अज ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी का जन्मदिन है। इस मौके पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने सूबे के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सिख इतिहास च बेहद सत्कारयोग गुरु घर के सच्चे सेवक ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा साहब जी, जिन्हें अपनी सारी उम्र गुरु घर के लेखे लाई। अज बाबा बुड्ढा साहब जी के जन्म दिहाड़े मौके रब्बी रूह नूं प्रणाम ते समूह सिख संगतां नूं बहुत बहुत बधाई। मजिठा के एक पिंड में एक नाबालिग लड़की नाल जबर जिनाह अते कतल करन दा मामला सामने आया है। दो नौजवानों ने नाबालिग लड़की नाल बलात्कार करन तो बाद उसका कतल कर लाश नूं लटका दिता। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दोवे मुलजम सुल्तानपुर लोधी के दसे जा रहे ने ते घटना तो बाद फरार ने। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला नूं इंसाफ ना मिलन ते पिंड मूसे दे लोक नाराज चल रहे ने। उन्होंने कहा कि इस बार वो दिवाली नहीं मनाउणगे। दुकानदारां ने भी मिठाइयां ते पटाके नहीं लियांदे, पिंड च सोग दी लहर। दिवाली ते मोहाली दे हीरो होम्स ने दुनिया का सब तो वड्डा दीवा जगा के विश्व रिकॉर्ड बनाया। लगभग 1000 किलोग्राम स्टील तो बनिया दुनिया का सब तो वड्डा 3.37 मीटर विशाल वाला दीवा विश्व शांति है। ये धर्म ने निरपक्षता का संदेश फैलाउण लई जगाया गया सी। स्थानक शहर के वार्ड नंबर 14 विच बीती रात घर नूं अग लगन कारण पति पत्नी की मौत हो जाने का समाचार प्राप्त होया। इस दे नाल ही इस घटना विच उसका एक पुत्र गंभीर जख्मी होने की खबर है। उसनों इलाज लई मानसा के सरकारी हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। पंजाब च राम रहीम का डेरा बनन ते एसजीपीसी ने जताया विरोध। प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इस उपर पंजाब सरकार नूं रोक लगानी चाहीदी है ताकि पंजाब का माहौल खराब होने से बचाया जा सके। दस दिए कि कुछ दिन पहला सच्चा सौदा राम रहीम वालों ऐलान किया गया कि पंजाब च भी सुनाम वांग वड्डा डेरा बनाया जाएगा। पंजाब के जंगल घोटाले नूं लैके वड्डी खबर सामने आ रही है। दरअसल यह मामला हुण ईडी कोल पहुंच गया है। सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबिक जल्द ही ईडी वालों मामला दर्ज करके दोषियों खिलाफ वड्डी कार्रवाई की जा सकती है। वारिस पंजाब के आगू अमृतपाल सिंह ने पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नूं अपने खिलाफ बोलन ते कानूनी नोटिस भेजा। उन्हां नोटिस विच कहा है कि राजा वड़िंग वालों ऑनलाइन न्यूज चैनलों विच मेरे ते लाए गए दोष झूठे ते बेबुनियादी ने। इस कानूनी नोटिस विच अमृतपाल सिंह ने राजा वड़िंग नूं सोशल मीडिया राही माफी मंगने भी कहा। विधानसभा स्पीकर कुलतार संधवा का बयान, उन्होंने कहा जेकर समुची पंचायत पराली ना साड़े तो हर पिंड नूं 1 लाख रुपए दिते जाणगे। जेकर देखा जाए तो सरकार का एक कदम है काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। मुलाजम पुलिस चौकी कालाझाड़ थाना भवानीगढ़ जिला संगरूर विखे तैनात है। विजिलेंस ब्यूरो अधिकारी ने दस्सिया कि उक्त हौलदार हरमनजीत सिंह खिलाफ ऑनलाइन शिकायत मिली थी कि वह एक केस विच व्यक्ति कोलों रिश्वत मंगता है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से एक ट्रक चो 21 किलोग्राम हीरोइन जब्त करने तो बाद वाहन दे ड्राइवर नू हिरासत में ले लिया गया है। वधीक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी मुकेश सिंह ने यह जानकारी दी है कि जांच के दौरान जदों वाहन नू रोकया गया उस विच 21 किलो हीरोइन के 18 पैकेट बरामद किए गए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अयोध्या च छोटी दिवाली मनाउणगे। विशाल दीप उत्सव विच वी करनगे शिरकत। इस मौके ते सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री दा करनगे स्वागत। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो दा सब तो भारी रॉकेट LVM-3 M2 एतवार नूं पुलाड़ स्टेशन तो लॉन्च किया गया है। इसरो ने इस नूं इतिहासक मिशन करार दिता। दिवाली के मौके से यात्रियों की सहूलत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अहमदाबाद अमृतसर विचकार 3-3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिसका यात्रियों को होगा बेहद फायदा। पंजाब विधानसभा चोणों में जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी हुण हिमाचल में होने वाली चोणों लई कमर कस रही है। पार्टी वालों चोणों लई स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिससे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत मंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल। गोरखपुर च शुक्रवार को डेंगू के 7 मरीज मिले ने। इन्हां विचों 5 मरीज नगर निगम के अते 2 मरीज पेंडू खेतर के ने। मरीजों की कुल गिनती 76 हो गई है। लोगों नूं कहा सुचेत रहने लई। मुजफ्फरनगर की मोरना खंड मिल विच RLD दी कौमी प्रधान अते राजसभा मैंबर जयंत सिंह ने कहा कि गन्ने की अदायगी ना होने कारण किसान अपने बच्चों की स्कूल फीस अदा नहीं कर पा रहे। देश की हालत माड़ी है ते किसान दिनों दिन करजाई हुंदा जा रहा है। मानसून की बारिश तो बाद उत्तरी अंडेमान सागर च चक्रवर्ती तूफान सितरंग का खतरा। उड़ीसा के 8 जिलों में हाई अलर्ट, तेज रफ्तार नाल चलनगियां हवावां। 24 अक्टूबर तक के चक्रवर्ती तूफान विच होर तेज होने की संभावना।
हरियाणा सरकार ने सूबे विच उन्हां उद्योगिक इकाइयां नूं वैल्यू एडिशन टैक्स वेट विच 50% छूट देण दा फैसला कीता है, जो कि डीजल नाल चलण वाले जनरेटर सेटां दी बजाए कुदरती गैस तों उन्हां दी ऊर्जा दी लोड़ नूं पूरा करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा पूजा से पूरे सूबे और देशवासियों को बधाई दी और सारे के उज्जवल शानदार खुशहाल भविष्य की कामना की है। बीती देर रात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके च रहन वाले सेवा मुक्त पुलिस इंस्पैक्टर जनरल IG दिनेश चंद्र पांडे के घर अचानक अग लगन नाल पांडे की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी और पुत्र गंभीर जख्मी। लखनऊ च एक नौजवान ने लड़की ते जिनसी शोषण का मामला वापस लैण लई दबाव पाया, पर जो लड़की ने मना किया तो उसने उसकी कुटमार की गाली गलोच भी किया। पीड़िता की शिकायत ते सरोजनी नगर थाना पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज कर लिया। चंडीगढ़ पंचकूला स्थित हरियाणा सेवा सकत्तरेत जनता चुने हुए नुमाइंदियां तक पहुंच यकीनी बनाने सूबा सरकार ने मंगलवार को मुख्य दफ्तर अधिकारियों लई नो मीटिंग डे घोषित करने का फैसला किया। पीएम मोदी ने रीवा हादसे ते कीता दुख प्रगट, मृतका दे वारसां नूं 2-2 लाख रुपए देने का कीता ऐलान। पीएम मोदी की तरफों PMO ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के रीवा विच राष्ट्रीय राजमार्ग ते हादसा दिल दहला देने वाला है। उन्होंने लोगों प्रति मेरी डूंगी संवेदना है जिन्होंने इस विच अपने अजीजां नूं गवा दिता। इस नाल ही मैं सारे जख्मियों के जल्दी ठीक होने की कामना करता है। सूबा सरकार की देखरेख च स्थानक प्रशासन पीड़िता की हर संभव मदद करन च लगा होया है। राहुल गांधी ने भाजपा से साध्या निशाना, औरतां देश की ताकत ने उन्होंने सशक्तिकरण नाल ही भारत तरक्की करेगा। उन्होंने लिखा, मैं चाहता हाँ कि देश दियां सारियां औरतां तरक्की दे काम च बराबर का योगदान पाउण, उन्होंने सुरक्षा सन्मान अते समानता दे अधिकार प्रदान करना साडा वचन है अते असीं इह करांगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एतवार को लगातार तीजी बार सत्ता संभालण का ऐलान किया है। चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय कमेटी के पहले पैलन रीश सैशन दौरान शी को जनरल सकत्तर चुनिया गया। शी की प्रधानगी हेठ हुए सैशन में CPC की 20वीं केंद्रीय कमेटी के 203 मैंबर 168 बदलवे मैंबर शामिल हुए। सैशन शी को CPC केंद्रीय मिलटरी कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। सियोल के व्यापार मंत्रालय ने एतवार को कहा कि दक्षिणी कोरिया और अरब देशों का एक समूह आने वाले हफ्ते में अपने मुक्त व्यापार सौदे के लिए गलबात को अगे वधाएंगे। व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय मुताबिक दक्षिणी कोरिया और खाड़ी सहयोग परिषद सोमवार को सियोल एक दुवल्ले मुक्त व्यापार समझौते के लिए अधिकारित गलबात को 6वें दौर के लिए शुरू करेंगे। व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार IGCC के 6 देश संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुलियान ने कहा है कि उन्होंने देश को अमरीका तो एक संदेश मिले जिस उस जल्दी तो जल्दी परमाणु समझौते अंतिम फैसले करने के लिए कहा गया है। अब्दुलियान ने आर्मीनिया की राजधानी येरेवंद में कहा कि 3 दिन पहले सानू अमरीका तो एक संदेश मिला सी ते उन्होंने कहा गया सी कि एजेंसी द्वारा ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ दोषों को किसी भी व्यक्ति द्वारा रद्द करना चाहिए, समझौते तो पहले इसका हल किया जाना चाहिए। ईरान की धार्मिक पुलिस हिरासत में 22 साला महिला महासा अमीनी की मौत तो बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में जर्मन की राजधानी बर्लिन, अमरीका की राजधानी वाशिंगटन DC और लॉस एंजलस के लोगों ने मार्च किया। US नेशनल नाल नेड़े हर उम्र के हजारा मर्द औरतां इकट्ठे होकर नारेबाजी करन उतरे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए व्हाइट हाउस वाल मार्च करना शुरू कर दिया। अमरीका के डलास और कैलीफोर्निया के दो वख-वख गोलीबारी के 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने जानकारी दी है डलास के एक हस्पताल में गोलीबारी के इस दो कर्मचारी मारे गए, जबकि पुलिस की जवाबी गोलीबारी के एक शक्की बंदूकधारी जख्मी हो गया। अधिकारियों ने जानकारी दी है गोलीबारी शनिवार सवेरे 11 बजे के करीब मैथोडिस्ट हेल्थ सिस्टम अंदर दे हुई। US Centers for Disease Control and Prevention ने घोषणा की है कि इसके डायरेक्टर ने COVID-19 के लिए टेस्ट किए हैं। सेहत एजेंसी तो जारी एक बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि रोशियल वेलेंसकी के कोविड के हल्के लक्षण पाए गए हैं, उन्होंने घर के क्वारंटाइन किया गया। वह वर्चुअल तरीके अपन पूर्व निर्धारित मीटिंगों में हिस्सा लेना जारी रखेंगे। पूर्वी यरूशलम के चाकू के हमले के एक इजरायली नागरिक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक इजरायली नागरिक को पूर्वी यरूशलम के एक पार्क के सैर दौरान पिट से चाकू मारन तो बाद हस्पताल ले जाया गया। हमले तो बाद वड्डी गिनती के इजरायली पुलिस अधिकारी शक्की की भाल में पहुंच गए, जो पैदल ही मौके तो भज गया। कैनेडा के टोरंटो के आइलैंड एयरपोर्ट से बंब की धमकी कारण उड़ाना मुअत्तल कर दी गई और यात्रियों को बाहर कढ़ने के हुक्म दिए गए। पुलिस ने हवाई अड्डे से फोरी टर्मिनल नेड़े एक शक्की विस्फोटक यंत्र मिलने की सूचना मिलने तो बाद सुरक्षा कर्मचारियों को निर्देश दिए। पुलिस ने कहा कि 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जांच की जा रही है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंसकी ने कहा है कि रूस ने रात भर यूक्रेन से भारी हमले किए। जेलेंसकी ने बयान ऊर्जा बुनियादी ढांचे से हमले दी खबरों तो बाद दिता है। इस हमले कारण पूरे देश में बिजली गुल हो गई है। ब्रिटेन दे विच नवी सरकार दे गठन दे दावेदार कंजरवेटिव पार्टी ते सारे दीयां नजरां टिकियां होईयां ने। रिशी सुनक, बोरिस जॉनसन अते पैनी मोरडेंट दे नाम नवे प्रधानमंत्री दी दौड़ विच सब तो अगे चल रहे ने। हुण खबर है कि शनिवार नूं रिशी सुनक अते बोरिस जॉनसन विचाले गुप्त मीटिंग होई सी। इस विच टोरी पार्टी दे आगू चुने जाण दी चर्चा छिड़ी होई है। इस मुलाकात नूं लै के अटकलां दा दौर वी शुरू हो गया। मन्निया जा रिहा है कि पीएम दे अहुदे नूं लै के तस्वीर साफ होण वाली है। 200 करोड़ रुपए के ठगी मामले में मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी के लिखा है कि असी दोवें रिलेशनशिप सी अते इसके तहत मैं जैकलीन अते उसके परिवार को तोहफे दिते। इस विच जैकलीन का की कसूर है? जैकलीन ने कदे मेरे तो कुछ नहीं मंगया, वह बस चाहती सी कि मैं उसे प्यार करा अते हमेशा उसके नाल खड़े रहा। मैं जैकलीन नूं दिते सारे तोहफे मेरी मेहनत की कमाई का हिस्सा सन। आने वाले समय के सुनवाई दौरान अदालत च भी यह साबित करांगा। बॉलीवुड के मैगा स्टार अमिताभ बच्चन के नाल एतवार को एक अणसुखावी घटना वापरी। कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग दौरान अदाकार के पैर की नस कटी गई। अमिताभ को अस्पताल ले जाया गया जिथे उन्होंने पैर से वहरे खून रोकने के लिए टांके लगाए गए। अमिताभ बच्चन एतवार को केबीसी के अगले एपीसोड की शूटिंग कर रहे सन और उन्होंने नाल हादसा वापर गया। कन्नड़ फिल्म कांतारा नूं दर्शकों के वलों चंगा हुंगारा मिल रहा है। इसके रिलीज़ होने तो बाद भूतकोला की परंपरा चर्चा के हूँ। इस दौरान कन्नड़ अभिनेता चेतन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने भूतकोला की परंपरा से विवादित टिप्पणी की। अहिंसा के खिलाफ कथित तौर पर हिंदुओं भावनाओं को ठेस पहुंचाने के दोष लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक कर्नाटक पुलिस ने कन्नड़ अभिनेता चेतन खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोड़ा के जन्मदिन से अदाकारा के नाल रोमांटिक फोटो शेयर की है। फोटो के अर्जुन मलाइका को प्यार भरिया नज़र नाल देखते नजर आ रहे हैं। शीशे की तस्वीर के मलाइका अपने आप को देख रही है तो अर्जुन भी अपने प्यार को प्यार दे नाल देख रहे हैं। अर्जुन ने मलाइका के जन्मदिन दी शुभकामनावां दित्तियां ते कहा, माई यिन टू माई यांग, जन्मदिन मुबारक बेबी, ओ बनो जो तुसी हो, खुश रहो, हमेशा मेरे रहो। प्रभास की आने वाली फिल्म आदिपुरुष पहले ही सुर्खियों के इस फिल्म के श्री राम बने प्रभास लोगों के दिलों में वस गए हैं। उन्होंने लोगों को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आदिपुरुष के श्री राम बने प्रभास का दूसरा लुक भी जारी किया गया। सैकेंड लुक के प्रभास हाथों में धनुष तीर के लिए जंग के मैदान खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया से इस पोस्टर शेयर करके कैप्शन दिया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वाधे के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही। कौमांतरी बाजार में आज लंदन ब्रेट क्रूड 93.50 डॉलर प्रति बैरल, अमरीकी क्रूड 0.75 फीसदी वध के 85.14 डॉलर प्रति बैरल से रहा। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर, डीजल 99.62 रुपये प्रति लीटर से स्थिर। पिछले हफ्ते शेयर बाजारों के सकारात्मक रुख दरमियान देश दी चोटी दी 10 सब तो कीमती कंपनियों के 8 का बाजार पूंजी इकट्ठा होया। 2,03,335.28 करोड़ रुपए वध के इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नूं सब तो वध फायदा होया। पिछले हफ्ते BSE बेंचमार्क सेंसेक्स 1,338.18 अंक जां 2.79% की मजबूती दर्ज की गई सी। पिछले हफ्ते BSE का 30 शेयर वाला संवेदनशील सूचक अंक सेंसेक्स 1,387.18 अंकों की छाल मार के 59,000 अंकों के मनोवैज्ञानिक पद्धर पार कर गया। हफ्ते के अंत से 59,307.15 पहुंच गया। इस तरह नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 390.6 अंक बढ़ के 17,536.30 अंक पहुंच गया। स्मॉल कैप कंपनी सिनबैगस लिमिटेड ने दिवाली तो पहला निवेशकों को वड्डा तोहफा दिता है। कंपनी ने 22 अक्टूबर 2022 यानी शनिवार को बोनस शेयरों का ऐलान किया। योग निवेशकों को कंपनी के हरेक शेयर के लिए 2 बोनस शेयर दिए जाएंगे। कंपनी ने BSE को दी जानकारी के कहा, बोनस शेयर देने के फैसले को कंपनी की बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दी गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर पिछले एक साल तो बेस बिल्डिंग के हैं। हालांकि इसने लंबे समय तो निवेशकों बहुत वधिया रिटर्न दिता है। कोविड तो बाद इस रैली के कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की कीमत लगभग 11,075 रुपए तो 19,005 के पद्धर ते पहुंच गई है। इस दौरान स्टॉक के लगभग 60% का वाधा होया। हालांकि जेकर कोई निवेशक बहुत लंबा नजरिया रखता है तो उसको लाभ अंश और बोनस शेयरों का लाभ भी मिलता है। ऑस्ट्रियाई अरबपति रेडबुल फॉर्मूला वन रेसिंग टीम के मालक और सह संस्थापक ड्राइट्रिच मैटस्टिजस का देहांत हो गया। वह 78 साल के सन। ऑस्ट्रियन टैक्सस के रेडबुल रेसिंग टीम के अधिकारियों ने उन्होंने मौत की घोषणा की है। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मैच तो पहला श्रीलंका और आयरलैंड दोवों को झटका लगा। श्रीलंका के प्रमुख बल्लेबाज पुथम निसांका की पीठ से सट कारण टीम तो बाहर होना पाया। इस नाल ही आयरिश खिडारी जॉर्ज डॉक्रेल को कोविड-19 के हल्के लक्षण मिलने की संभावना है।
अमन स्पेन हो रही अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 57 किलो वर्ग के सोने का तगमा जितने वाला पहला भारतीय पहलवान बन गया। फ्री स्टाइल पहलवान अमन ने तुर्की के अहमद डुमन को हरा के अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप का 57 किलो का खिताब अपने नाम किया। मेलबर्न के भारत पाकिस्तान विचाले महामुकाबले की शुरुआत दौरान ही पाकिस्तानी क्रिकेट रिजवान की शुरुआत रही खराब। टॉस जीत के भारत ने पाकिस्तान बल्लेबाजी के लिए भेजे, जिस तों बाद क्रीज से बाबर आजम मुहम्मद रिजवान रहे और रिजवान चोटिल हो गए, जिस कारण कुछ देर के लिए खेल रोकना पड़ा। भारत ते पाकिस्तान दरमियान T20 विश्व कप 2022 का मुकाबला आस्ट्रेलिया के मेलबर्न दे विच खेडिया गया। भारत ने पाकिस्तान नूं 4 विकटां दे नाल हराया। पाकिस्तान ने 20 ओवरां दे विच 159 दौड़ां बनाईयां अते भारत नूं जित दे लई 160 दौड़ां दा टीचा दित्ता। टीचे दा पिछा करदे होए भारत ने 20 ओवरां दे विच 5 विकटां दे नुकसान ते बनाईयां 160 दौड़ां। भारत ने मैच 4 विकटां दे नाल जित्तिया।